हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आज हमारी जो वीडियो है वो 6th क्लास का लेसन 2 था, ज्योग्राफी का, उसका सेकंड पार्ट है ये। इसमें है देशांतर और समय। हमने यहाँ पर वो लास्ट वीडियो ख़त्म की थी, तो हम यहीं से ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। यानी कि वो बता रहा है जो टाइम को ज्ञात करने के लिए या फिर टाइम का पता लगाने के लिए जो सबसे अच्छा साधन है, जो स्रोत है, वो क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। फिर कह रहा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, यानी कि जो सूर्य का उगना और सूर्य का छिपना दिन और रात रोज होता है। अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। फिर कह रहा है कि इससे यह स्वाभाविक है कि यह पूरी दुनिया में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि कब सुबह हुई, कब दोपहर का समय हो गया, कब शाम का समय हुआ और कब ही रात का समय हो गया। देन उसके बाद कह रहा है स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जैसे कि इसमें बता रहा है दोपहर में सबसे छोटी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जो परछाई होती है, यानी कि जो परछाई जो दो सुबह होगी और जो रात सुबह सूर्योदय होगा और जो शाम को सूर्यास्त होगा, उस टाइम जो परछाई होगी वो सबसे लंबी होगी और जो दोपहर के टाइम है उस टाइम सबसे छोटी होगी, क्योंकि उस टाइम जो सूर्य है वो बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है, जिससे वो कम एरिया को कवर करेगा और जो परछाई होगी वो छोटी होगी। फिर कह रहा है ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। इसमें कह रहा है ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। फिर कह रहा है चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जो पृथ्वी के ग्रीनविच के पूर्व में है जो भी स्थान, उनका समय जो है वो ग्रीनविच के जो समय होगा उससे आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। फिर कह रहा है समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। इसमें बता रहा है कि कैसे समय का अंतर का पता लगा सकते हैं। फिर पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। वो बता रहा है कि पृथ्वी अपने 24 घंटे यानी कि एक दिन में वो अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह एक घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। वह बता रहा है कि एक घंटे में वह 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं और जब ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजे होंगे तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 × 4 यानी कि 15 मिनट, अगर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा, 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय में 1 घंटा आगे होगा। जो ग्रीनविच का समय होगा उसको हम देखेंगे कि ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजे होंगे तब जो ग्रीनविच 15 डिग्री पूर्व में जो समय होगा, जो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व होगा, उस समय हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 60 मिनट बनेंगे। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि 1 घंटा जो है ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन इसके साथ ही वो कह रहा है ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का जो टाइम होगा वो ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। जो पूर्व की तरफ होगा वो 1 घंटा आगे होगा और जो पश्चिम की तरफ होगा वो 1 घंटा पीछे होगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस टाइम जो है पृथ्वी पर ग्लोब पर 180 डिग्री पर क्या होगी, उस रात के 12 बज रहे होंगे, मध्य रात्रि होगी। दैन फिर कह रहा है किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। फिर उसके बाद कह रहा है हम मानक समय क्यों मानते हैं, कि जो हम मानक समय है हम इसे क्यों मानते हैं। कह रहा है कि अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। फॉर एग्जांपल इसमें बताया हुआ है बहुत से देशांतर से होकर गुजरने
गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, मतलब जो भी ट्रेन जाती है उनके लिए टाइमिंग की कह रहा है, टाइमिंग टेबल बनाना बहुत ही टफ है। देन फिर कह रहा है भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमुनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमुनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, जैसे कि भारत में 22.5 डिग्री पूर्व यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक समय का मानक यमुनोत्तर माना गया है, ये भारत का है। इस यमुनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। जो ये मानक समय है इसे मतलब इसे जो है उसे पूरे इंडिया का टाइम का मतलब मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। फिर कह रहा है कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, इसमें फॉर एग्जाम के लिए एक कहानी बताई है, और साथ ही आप ध्यान दो, ये देखो इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में ये देखो इसमें डॉट डॉट करके जो लाइन है ये क्या है, ये यमुनोत्तर का स्थानीय मार्ग मतलब इंडिया का है ये मानक समय का, ये 82.5 डिग्री पूर्व में है, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट इसे ये पूर्व में इसे भारत का मानक समय माना गया है। फिर कह रहा है कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, एग्जांपल के लिए बताया गया है, एक लड़का है वो भोपाल के करीब रहता है छोटे से नगर में, वह अपने मित्र आलोक से कहता है उस कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, वो अपने फ्रेंड से कह रहा है कि आज रात को हम नहीं सो पाएंगे, क्यों किस लिए नहीं सो पाएंगे, वो बता रहा है इसका रीज़न कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह में होगा, यानी कि दोपहर में भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट का मैच है जो उसने बताया है, जो कि लंदन में है और लंदन में वो 2 बजे है, यानी कि दोपहर के 2 बजे है। देन फिर कबीर कह रहा है भारत के समय अनुसार जो मैच है वो शाम के 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात में ख़त्म होगा। फिर कह रहा है, फिर आपको बोल रहा है कि आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच जो समय है, जो टाइम है, उसमें कितना डिफरेंस है। भारत ग्रीनिच के पूर्व में, जो भारत है वो ग्रीनिच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का जो समय है वो ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसके हिसाब से देखा जाए इसलिए जब चंदन में सॉरी इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब शाम भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे आफ्टरनून तब कह रहा है जो भारत में होगा वो इवनिंग का टाइम होगा 7:30 बजे का। फिर कह रहा है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जो देशांतरीय विस्तार है कुछ देशों का अधिक होता है, ये सभी का सेम नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। मीन्स इसमें कह रहा है जो पृथ्वी का जो टाइमिंग है उसे 24 घंटों में बांटा गया है, पृथ्वी के 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे, इस तरह उसे बांटा गया है। फिर कह रहा है इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र जो 1-1 घंटा है उसका 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है, इस तरह से उसका टाइम सेट किया गया है, जो 15 डिग्री देशांतर होगा उसको 1 घंटा जो होगा वो घेरेगा, उसके जो भी उसका एरिया होगा उसको 1 घंटे के हिसाब से उसे उस एरिया को घेरेगा। आज का लेसन यही ख़त्म होता है, होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी चीज़ों में कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके बाद है इसके क्वेश्चन है, सेकंड लेसन के चैप्टर के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो बताएं हमने लेसन में चैप्टर में क्या पढ़ा कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, तो इसका आंसर है पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या है, थोड़ी चपटी और बीच में जो है वो उभरी हुई है। फिर कह रहा है पृथ्वी की आकृति को जोड़ यानी पृथ्वी जैसी आकृति के रूप में वर्णित किया जाता है, पृथ्वी को जो जियोड़ के नाम से भी जाना जाता है उसको उसकी जो शेप है उसको क्या कहा जाता है, उसे जियोड़ कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब क्या है, तो इसका आंसर बताएं हमने क्या पढ़ा चैप्टर में,
तो ग्लोब जो है इसका आंसर है, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप और यानी कि सच्चा मॉडल है, मतलब पृथ्वी की जो वास्तविक आकृति है उसका छोटे स्वरूप में उसको दर्शाया गया है और उसके स्थानों को जगह को अच्छे से बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो बताएं कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होगा, आंसर क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर है, कर्क रेखा जो है वो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में यानी नॉर्थ में स्थित है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी के तीन ताप कटिबंध कौन से हैं? ये बताना है कि पृथ्वी के जो तीन ताप कटिबंध हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें फर्स्ट आएगा उष्ण कटिबंध, सेकेंड हो गया शीतोष्ण कटिबंध और थर्ड हो गया शीत कटिबंध। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? तो जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं है वो क्या है वो बताना है। तो जो अक्षांश रेखाएं है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समांतर वृत्त वाली रेखाओं को अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, और जो देशांतर रेखाएं है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाले संदर्भों को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? तो इसमें बताना है, जो ऊष्मा की जो ऊर्जा है वो सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, तो वो बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा है ग्लोब पर, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, उसको उष्ण कटिबंधीय के रूप में जाना जाता है। फिर कह रहे हैं, मध्याह्न यानी कि दोपहर का जब टाइम होता है तब सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार बिल्कुल सिर के ऊपर होता है उस क्षेत्र में, इसलिए क्योंकि सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर है इसलिए उसमें जो ऊर्जा होगी ऊष्मा की वो अधिक होती है। तो इसलिए ऊष्मा की जो सबसे अधिक मात्रा है वो उष्ण कटिबंध प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ साल में एक बार जो सूर्य होता है वो सिर के ठीक ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो ये बताना है, जब इंडिया में इवनिंग टाइम हो रहा हो 5:30, देन लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं ये बताना है। तो जो भारत का जो ग्रीन जो टाइम है वो क्या है, भारत के ग्रीनिच के पूर्व में 82.30 डिग्री पूर्व में स्थित है जो भारत का टाइम है। फिर कह रहा है, भारत का समय लंदन से 5:30 आगे है क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। जो देशांतर है उसके प्रत्येक डिग्री में क्या होता है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है, और इस वजह से जो भारत का जो टाइम है वो 5:30, जब भारत में शाम के टाइम में इवनिंग में 5:30 का टाइम होता है तब लंदन में क्या होता है आफ्टरनून 12 बजते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो सही उत्तर पर मार्क कीजिए यानी कि राइट का निशान लगाना है जो सही है। तो इसमें फर्स्ट है, प्रमुख यामोत्तर का मान है, जो प्रमुख यामोत्तर है उसका मान क्या है ये बताना है। क 90 डिग्री, ख 0 डिग्री और ग 60 डिग्री। तो इसमें बताए क्या आंसर आएगा, प्रमुख यामोत्तर का मान है तो क्या कितना मान है उसका ये बताओ क्या आंसर आएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ख यानी कि 0 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो इसमें बताना जो शीत कटिबंध है वो किसके नज़दीक पाया जाता है, क ध्रुवो, ख विषुवत वृत्त और ग कर्क रेखा। तो बताए इसका राइट आंसर क्या आएगा, जो शीत कटिबंध है वो किसके नज़दीक पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क है यानी कि ध्रुवो। इसके बाद नेक्स्ट है, देशांतर की कुल संख्या है तो बताए देशांतर की कुल संख्या क्या है, कितनी है, क 360 है, ख 180, ग 90। तो बताए देशांतर की कुल संख्या है, तो बताए देशांतर की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है यानी कि 360, जो देशांतर कुल संख्या है वो 360 है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, जो दक्षिण ध्रुव वृत्त है वो कहाँ स्थित है, क उत्तरी गोलार्ध में, ख दक्षिणी गोलार्ध में, ग पूर्वी गोलार्ध में। तो बताए जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है वो कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर बताए इसका क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ख दक्षिणी गोलार्ध में, जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देन नेक्स्ट है, ग्रिड किसका जाल है? तो इसमें बताना है जो ग्रिड है वो किसका जाल है, तो इसमें क है अक्षांशों समांतर रेखा हुए देशांतरीय यामोत्तरों का, ख है
कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, और ग है उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का। तो बताओ ग्रिड किसका जाल है। तो राइट आंसर बताइए क्या आएगा इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो क है, यानी कि अक्षांशों समांतर रेखा हुए देशांतर यामोत्तरों का। फिर उसके बाद है खाली स्थान भरे, फिलिंग द ब्लैंक्स है। उसमें फर्स्ट है मकर रेखा डैश पर स्थित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। जो मकर रेखा है वो डैश पर स्थित है, किस पर स्थित है मकर रेखा। तो बताइए क्या आएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर है 23.5 डिग्री दक्षिण पर। जो मकर रेखा है वो कहाँ है, 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। फिर नेक्स्ट है भारत का मानक यामोत्तर है। जो भारत का मानक यामोत्तर है वो कितना है, बताए क्या आंसर आएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है भारत का मानक यामोत्तर कितना है, 82.30 पूर्व। ठीक है। देन नेक्स्ट है 0° यामोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है। जो 0° यामोत्तर है उसको किसके नाम से जाना जाता है, तो बताइए किसके नाम से जाना जाता है। तो इसका आएगा 0° यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट है फोर्थ देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती जाती है। जो देशांतर के बीच की दूरी है वो किस तरफ जाने पर घटती जाती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर है ध्रुवो। ठीक है। जो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। देन नेक्स्ट है और लास्ट है उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। तो इसमें बताना है जो उत्तर ध्रुव वृत्त है वो किस गोलार्ध में स्थित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। तो आपको अगर अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय।